Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा पर। मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज टू द पॉइंट में आज के नाइट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं दोस्तों पॉलीमर को। कई बच्चों ने कमेंट किया था कि सर पॉलीमर पे एक वीडियो होना चाहिए, तो आज हम आपके सामने पॉलीमर के टॉपिक के साथ हाजिर हैं। तो जल्दी जल्दी जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, फिर हम लोग करते हैं आज के टॉपिक को स्टार्ट और देखेंगे कि पॉलीमर से कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग देखते हैं पॉलीमर को कि पॉलीमर क्या होता है और यहाँ से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा पॉलीमर, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हिंदी में, याद रखना है, इसे हिंदी में बहुलक कहा जाता है। इससे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आज का कि याद रखेंगे, जब लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ स्मॉल मोनोमर्स। यहां पर देखिए एक चीज आपको यहां पर ध्यान देनी है कि यहां पर एक है मोनोमर, यानी कि जब कई सारे स्मॉल मोनोमर मिलते हैं ना, तब जाकर क्या बनता है, हमारा पॉलीमर बनता है। एक चीज तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कई सारे मोनोमर के मिलने से, देख रहे हैं इतने सारे मोनोमर मिल रहे हैं, तब जाकर क्या बन रहा है, हमारा एक पॉलीमर बन रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं अलग अलग पॉलीमर की, यहां पर देखिए जैसे पॉलीथिलीन है, इसका पॉलीमर क्या है बेटा, इसका पॉलीमर है एथिलीन। जैसे यहां पर पॉली प्रोपिलीन है, तो इसका क्या है, मोनोमर प्रोपिलीन है। ये जो टेबल है, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से कई सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों ब्यूटेनाइड का मोनोमर किसका मोनोमर है, तो पॉली ब्यूटेनाइड का। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों जो टेफ्लोन होता है, टेफ्लोन का मोनोमर का क्या नाम है, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टेफ्लोन के मोनोमर का क्या नाम होता है, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन। और जो पीवीसी होता है दोस्तों, पॉली विनाइल क्लोराइड, इसका जो मोनोमर होता है दैट इज विनाइल क्लोराइड। ये भी आप याद रखेंगे, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं। यानी कि पॉलीमर क्या होता है, जब कई सारे स्मॉल मोनोमर मिलकर एक बड़ा चेन बनाते हैं, तो उसे ही हम लोग पॉलीमर कहते हैं, सबसे बेसिक सी बात। अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों, अगला फैक्ट देखते हैं। याद रखेंगे जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक जो हम लोग डेली यूज करते हैं, ये प्लास्टिक किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीमर। और ये जो पॉलीमर होता है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल पॉलीमर और एक होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है ना। जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों, प्रोटीन, सेलुलोज, वूल, सिल्क, स्टार्च, यानी जिसे हम लोग मंड कहते हैं, ये नेचुरल रबर या डीएनए, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, ये सभी एग्जांपल हैं नेचुरल पॉलीमर्स के। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा एक एग्जांपल है प्राकृतिक बहुलक का, याद रखेंगे ये सभी किसके एग्जांपल, प्रोटीन, सेलुलोज, वूल, सिल्क, स्टार्च, नेचुरल रबर और डीएनए, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, नेचुरल पॉलीमर या प्राकृतिक बहुलक के। जबकि जो सिंथेटिक पॉलीमर है, जो कि मनुष्य के द्वारा लैब में तैयार किया जाता है केमिकल प्रोसेस के द्वारा, उसे हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। और इसका एग्जांपल है दोस्तों प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं, यानी कि जो मानव निर्मित बहुलक या कृत्रिम बहुलक के एग्जाम्पल्स हैं। जब हम लोग दोस्तों प्लास्टिक की बात करते हैं, तो प्लास्टिक की खोज करने वाले याद रखेंगे जो व्यक्ति थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर पार्क्स। अलेक्जेंडर पार्क्स ने प्लास्टिक की खोज, सबसे पहला जो प्लास्टिक मैनमेड प्लास्टिक था वो ने बनाया था, अलेक्जेंडर पार्क्स ने, ये चीज आप याद रखेंगे, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। और प्लास्टिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। याद रखेंगे थर्मोप्लास्टिक जो होता है ये डक्टाइल होता है, और इसे मतलब हार्ड करने पर ये सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि ये मेल्ट करके हम लोग इससे दूसरा वो बना सकते हैं। जबकि हम लोग जब बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो एक बार जब इसका शेप दे दिया जाता है, यानी इसे जब एक बार इसको जो भी शेप दे दिया जाता है कि ये हार्ड और क्या होता है, ब्रिटल होता है, यानी कि इसे हम मुलायम कर, इसे हम पिघला कर दूसरा सामान नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इसे सॉफ्टन नहीं किया जा सकता, हीट करने के बाद ये मुलायम नहीं होता, यानी कि इसका शेप हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर जब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जांपल की, पॉलीथिलीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलिस्टर, ये सभी किसके एग्जांपल है, थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं,
ठीक है ना। और जो पीवीसी होता है ये भी किसका एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। जबकि थर्मोसेटिंग की बात करते हैं दोस्तों तो वल्कनाइज्ड रबर जो होता है, बैकलाइट जो होता है, उसके बाद याद रखेंगे एपॉक्सीज जो होते हैं, रेसिन जो होते हैं, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ये सभी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों दैट इज बैकलाइट पूछा जाता है, इसमें कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, याद रखेंगे दैट इज बैकलाइट। और अगर आपसे पूछा जाए पॉलीथीन या पॉलीकार्बोनेट या पॉलिस्टर किस प्रकार के प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, तो ये थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है, ये भी आप याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले फैक्ट की बात करते हैं, तो याद रखेंगे एक होता है पीएलए। कई बार पूछा जाता है पीएलए का पूरा मतलब क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का पॉलिस्टर है जिसका नाम क्या होता है, पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड होता है इसका नाम। और याद रखेंगे ये पॉलीलैक्टिक एसिड का क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है। कई बार एग्जाम में पीएलए का फुल फॉर्म पूछा जाता है, व्हाट इज पीएलए, तो याद रखेंगे दैट इज पॉलीलैक्टिक एसिड, इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ पॉलीमर, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो याद रखेंगे जो नाइलॉन, नायलॉन की बात करेंगे अभी हम लोग आगे, जो क्लिम्बिंग रॉप्स होते हैं ना, यानी जो पर्वतारोही वगैरह जो पहाड़ को चढ़ने के लिए जो रस्सी का यूज करते हैं, वो किससे बना होता है, वो नायलॉन से बना होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्लिम्बिक रॉप्स आर मेड अप ऑफ विच पॉलीमर, तो याद रखेंगे ये नायलॉन से बने होते हैं। इसके आगे की बात करें तो याद रखेंगे जो पैरासूट्स होते हैं और पैरासूट्स के अंदर जो रोप होते हैं, ये भी किससे बने होते हैं दोस्तों, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ नायलॉन, ये भी आपने याद रखनी है। फिर हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले फैक्ट की अगर बात करें, तो याद रखेंगे पॉलिस्टीरीन, पॉलिस्टर या जिसे हम लोग पॉलिस्टर कहते हैं, ये जो पॉलिस्टीरीन होता है ये किसका पॉलीमर होता है, इट इज पॉलीमर ऑफ स्टेरीन। और स्टेरीन को ही याद रखेंगे दोस्तों फिनाइल एथिलीन भी कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि फिनाइल इथिलीन किसे कहा जाता है, दैट इज स्टेरीन, है ना। पॉलिस्टर जो है किसका पॉलीमर है एक, तो याद रखेंगे पॉलिस्टर इज पॉलीमर ऑफ स्टेरीन। और इसका यूज कहां पर होता है, रेडियो और टीवी कैबिनेट को बनाने में, रेडियो और टीवी कैबिनेट के निर्माण में किसका यूज किया जाता है, इसी पॉलिस्टीरीन का यूज किया जाता है। और पॉलिस्टर वाले जो कपड़े बने होते हैं दोस्तों वो भी इसी पॉलिस्टीरीन से बना हुआ होता है। ये स्टीरीन का फॉर्मूला है, स्टीरीन का फॉर्मूला याद रखेंगे C6H5CH और डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा हुआ है CH2, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये स्टीरीन का फॉर्मूला होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले फैक्ट की बात करते हैं, तो याद रखेंगे कि द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल इज बैकलाइट। जो कुकिंग यूटेंसिल होता है ना, जितने भी खाना बनाने वाले सामान होते हैं, चाहे वो चाय बनाने वाला सामान या कुछ भी हो, उसका जो हैंडल बना होता है वो किससे बना होता है, वो बैकलाइट से बना होता है। और एक चीज ये भी याद रखेंगे, जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विचेज होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेज, वो भी किससे बने होते हैं, बैकलाइट के। बिकॉज जो बैकलाइट होते हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। क्लियर है पॉइंट, तो ये भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों अगले फैक्ट की, याद रखेंगे पॉलीवुल। जो पॉलीवुल एक कपड़ा आता है, देखते हैं वुलन कपड़ा आता है, वुलन वाला जो कपड़ा आता है ना उसे हम लोग क्या पॉलीवुल बोलते हैं। और ये पॉलीवुल जो बना होता है किससे किससे मिलकर बनता है, उसके साथ पॉलिस्टर होता है और क्या होता है दोस्तों, वुल यानी ऊन होता है, इन दोनों से मिलकर ये बना होता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, चलते हैं इसके अगले फैक्ट की अगर बात करें, तो याद रखेंगे जो नेचुरल रबड़ है, नेचुरल रबड़ की अगर बात करते हैं, तो ये किसका एक पॉलीमर होता है, ये आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है, प्राकृतिक रबड़ जो किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का। और ये प्राकृतिक रबड़ जो प्राप्त किया जाता है दोस्तों, वो पेड़ से, जो रबड़ का पेड़ होता है उससे किस रूप में प्राप्त होता है, लेटेक्स के रूप में। ये जो देख रहे हैं दिस इज एक्चुअली लेटेक्स। और ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं दोस्तों CH3CH2CH2, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है आइसोप्रीन का। तो ये भी आप याद रखेंगे। हम लोग चलते हैं दोस्तों इसके बाद अगले फैक्ट की बात करते हैं, तो याद रखेंगे जो रबड़ होता है, रबड़ के प्रोडक्शन में किसका यूज किया जाता है, जेलेटिन। जेलेटिन एक पदार्थ होता है, इसका यूज रबड़ के निर्माण में किया जाता है। कई बार पूछा जाता है रबड़ के निर्माण में किसका यूज करते हैं, तो जेलेटिन पाउडर होता है, ये जो देख रहे हैं ये पाउडर है, इसका यूज रबड़ के निर्माण में किया जाता है। रबड़ के वल्कनाइजेशन में दोस्तों किसका यूज करते हैं हम लोग, रबड़ के वल्कनाइजेशन में याद रखेंगे सल्फर का यूज किया जाता है। और रबड़ के वल्कनाइजेशन यानी जो रबड़ का वल्कनाइजेशन है, इसकी खोज करने वाले कौन थे, याद रखेंगे सबसे पहले
वल्कनाइज जो किया था रबड़ को, वो किया था चार्ल्स गुडईयर ने, चार्ल्स गुडईयर ने, जिन्होंने रबर टायर की भी खोज करी थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं अगले फैक्ट की। याद रखेंगे, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर इज नॉन एज पॉलीमराइजेशन, यानी बहुलकीकरण। ये जो क्या होता है, बहुलकीकरण का मतलब होता है जब कई सारे मोनोमर को हीट करके जब क्या बनाया जाए, एक पॉलीमर बनाया जाए, उसी को क्या कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इथिलीन है, और इथिलीन को जब 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो वहाँ पर क्या बनता है दोस्तों, वहाँ पर हमारा पॉलीथिलीन बनता है, यानी कि इथिलीन यहाँ पर क्या है, मोनोमर है, और पॉलीथिलीन क्या है, इस एथिलीन का बहुलक है। क्लियर है, तो पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, कई सारे मोनोमर को हीट कर, गर्म कर क्या करना, उसका पॉलीमर तैयार करना, वही कहलाता है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, हम लोग बात करते हैं दोस्तों अगले फैक्ट की। याद रखेंगे जो बुलेट प्रूफ ग्लास होते हैं, कई सारे देखते हैं बुलेट प्रूफ ग्लास का जो यूज किया जाता है वो एक पदार्थ से बना होता है, दैट सब्सटांस इज नोन एज लैक्सन। लैक्सन नामक पदार्थ से बुलेट प्रूफ ग्लास बने होते हैं, आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। अब हम लोग बात करते हैं अगले फैक्ट की। याद रखेंगे रबर इज ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट इन किस फॉर्म में, रबर को जो प्राप्त किया जाता है पौधों से, रबर के पौधों से किस रूप में प्राप्त किया जाता है, तो याद रखेंगे रबर को पौधों से किस रूप में प्राप्त करते हैं, लैटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। यह भी आप याद रखेंगे, यह भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हम लोग चलते हैं, बात करते हैं अगले फैक्ट की। याद रखेंगे सबसे पहला जो फाइबर सिंथेसाइज किया गया था लैब में वो क्या था, नाइलॉन इज द फर्स्ट फाइबर सिंथेसाइज्ड इन लैब। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मानव के द्वारा निर्मित सबसे पहला संश्लेषित रेशा कौन सा है, याद रखेंगे मानव निर्मित सबसे पहला जो रेशा है वो कौन सा है दोस्तों, नायलॉन है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग बात करते हैं इसके अगले फैक्ट की। तो रेयॉन जो है, रेयॉन इज ए आर्टिफिशियल फाइबर, ये किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। रेयॉन भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार का आर्टिफिशियल फाइबर है, जिससे कि धागे, कपड़े, कई सारी चीजें बनती है, और ये रेयॉन जो बना होता है, दूसरा प्रश्न पूछा जाता है रेयॉन किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, तो रेयॉन बना होता है किससे मिलकर, तो ये सेलुलोज से मिलकर बनता है, ये भी आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हम लोग बात करते हैं अगले फैक्ट की। याद रखेंगे पॉलीथीन का जो मोनोमर है वो क्या है, एथिलीन, हम लोगों ने देखा है, और इसका यूज किस में होता है, कैरी बैग को मैन्युफैक्चर करने में, पैकेजिंग मटेरियल जो होते हैं और जो बॉटल्स होते हैं उसको बनाने में किसका यूज किया जाता है, पॉलीथीन का यूज किया जाता है, जिसका मोनोमर क्या है दोस्तों, जिसका मोनोमर है एथिलीन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4, आपको ये पता है। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो अगला फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों, जो पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, कई बार तो पीवीसी का सीधा फुल फॉर्म पूछते हैं, ये जो पीवीसी होता है ये किससे मिलकर बना होता है, विनाइल क्लोराइड से बना होता है, और इसका यूज कहां पर होता है, पाइप को और इंसुलेशन इसके बनाने में किसका यूज किया जाता है, पीवीसी का यूज किया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले फैक्ट की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, याद रखेंगे जितने भी नॉन स्टिक किचन वेयर्स होते हैं वो किसका बना होता है, वो टेफ्लॉन का बना होता है, और टेफ्लॉन का जो मोनोमर है ये क्या है, टेट्रा, क्या है इसका मतलब, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, ये इसका क्या है, मोनोमर है, तो ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों लास्ट पॉइंट की बात करें तो याद रखेंगे जो क्रॉकरी होते हैं, जो बर्तन के सेट होते हैं, जो प्लास्टिक वाले देखते हैं, उसका जो हो उस वहां पर जो मोनोमर यूज किया जाए, वहां पर जिस पॉलीमर का यूज किया जाता है उसका नाम है दोस्तों मेलामिन। तो ये एक लास्ट पॉइंट की बात करें, जो बुलेट प्रूफ जैकेट की बात की जाए, जितने भी बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो पॉलीकार्बोनेट, कार्बोनेट, पॉलीथीन, और उसमें एक सब्सटेंस किया जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केवलर नामक पदार्थ से ये बुलेट प्रूफ जैकेट बने हुए होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पॉलीमर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हमने आज के सेशन में डिस्कस किया। बाकी और भी कई सारे इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ हम लोग फिर से आपके सामने हाजिर होंगे टू द पॉइंट में अगले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे, और जो नए छात्र देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहें एंड हैव अ गुड डे।